हेलो दोस्तों, आज फिर मैं एक नया नाश्ता लेकर आई हूँ जो कि काफ़ी हेल्दी और टेस्टी भी है। तो चलिए इसे देखते हैं किस तरीके से बनाना है। और इसके लिए हम लेंगे एक कटोरी उड़द का दाल और एक कटोरी काबली चना। तो इनको हम भिगा करके पीस लेंगे। पीसने के बाद 1 घंटे में ये भीग जाता है और ये लगभग 2-3 2-2.5 घंटा लगता है। तो जब ये 1.5 घंटा हो जाए तब इसे डाल दीजिए। उड़द को ज़्यादा भिगाना नहीं चाहिए। अगर आप कम भिगाएंगे, यानी कि जैसे ही भीगा और पीसेंगे तो खमीर अच्छा आता है। तो इस तरह से इसे भिगा कर पीस लेंगे और पीसने के बाद हम इसे खमीर आने के लिए छोड़ देंगे 4-5 घंटे। और इस तरह से आप देख रहे हैं कितना अच्छे से खमीर आ गया है। तो ये देखिए, कभी भी आप उड़द को अगर ज़्यादा भिगा कर पीसेंगे तो अच्छे से खमीर नहीं आता है। और बस उड़द भीग गया और हमें पीस देना है, तो खमीर बहुत अच्छे से आता है और काफ़ी उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि जो उड़द का पानी है उसे हम ज़्यादा वेस्ट नहीं होने देते हैं। बस भीगा, और जितना अगर आप ज़्यादा उड़द को भिगाते रहेंगे तो पानी उसका, उसमें जो खमीर आने के लिए रहता है, वो निकलते रहता है, यानी पानी में ही निकल जाता है और हम उसे रगड़ रगड़ कर धोकर बहा देते हैं। तो यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ा हल्दी। अगर आपको सेम इसी कलर का बनाना है तो हल्दी ना डालें। और स्वाद अनुसार नमक। और खड़ा लहसुन लेंगे। मतलब कि लहसुन थोड़ा मोटा मोटा ही काटेंगे और मिर्ची को भी थोड़ा मोटा काटेंगे। और इन सबको हम अच्छे से मिला लेते हैं। एक इडली स्टैंड लीजिए। तो यहाँ पे मैं इडली स्टैंड में बनाऊंगी। आप चाहें तो इसे ढोकले की तरह थाली में भी बना सकते हैं, या फिर आपके पास अगर ढोकला का स्टैंड है तो उसमें भी बना सकते हैं। और इसमें तेल लगा करके इसे भर देते हैं। और जब पानी में उबाल आ जाए तो इसके अंदर हम डाल करके और ढक देंगे। स्टार्टिंग में 1 मिनट गैस को तेज रखेंगे, फिर मीडियम पे कर देंगे। और बीच बीच में आप चेक कीजिएगा। और ये इस तरह से देखिए, जब फट जाएगा तो समझिए कि हो गया, या फिर अगर नहीं तो इस तरह से हम एक किसी तरह का फोक या फिर इस तरह का पिन डालकर देख सकते हैं। पिन या टूथपिक भी डालकर आप देख सकते हैं। तो ये अच्छे तरह से स्टीम हो गया। और एक चीज़, अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं पहले। और इस तरह से आप देख रहे हैं, ना तो मैं इनो डाली यार, ना ही तो कोई मीठा सोडा। तो कितना सुंदर, बिल्कुल फूल फूल कर बना है। तो इन्हें आप चाहें तो प्लेन भी खा सकते हैं या फिर तड़का भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसे थोड़ा तड़का लगाऊँगी। तो राई और मिर्ची से ही लगाऊंगी सिंपल। और यहाँ पे मैं एक कढ़ाई गरम कर रही हूँ। आपको जिसमें भी तड़का लगाना हो, तो तड़का लगाने के लिए भी क्या, जब हम राई डालते हैं तो बहुत तेज़ी से फूटता है। तो पहले कढ़ाई को गरम करना है और बिना तेल का राई डाल देना है, और तब भी हम इसे ढक देंगे। अब राई जब फूटेगा तो तेल तो है नहीं, इधर उधर वो चिपकेगा नहीं। और जब राई तड़क जाए तो आप देख रहे हैं कहीं फैला ही नहीं है। अब तब हम जाके तेल डाल देंगे, जितना ज़रूरत है उस हिसाब से। और फिर डाल देंगे मिर्ची। मिर्ची को थोड़ा सा पकने देते हैं, यानी कि भुनाने देते हैं। और इस तरह से तड़का रेडी हो गया है। तो इसको हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। तो इसमें हम काट कर रख लेते हैं। इस तरह से कि जालीदार पूरा बना है, तो ये काफ़ी स्पंजी है। और दालें जो है, मतलब कि काबली चना हो गया या कोई भी दाल, हमारे सेहत के लिए काफ़ी हेल्दी है। तो हमें ज़्यादातर सुबह में हेल्दी नाश्ता ही करना चाहिए। और एक चीज़ क्या है, मिर्ची को कभी भी आप डायरेक्ट ना डालें, इसे काट के ही डालना है। थोड़ा सा भी चीरा लगा दें, पर ज़रूर काट के डालें,
और इस तरह से आज का ये जो हेल्दी नाश्ता है तैयार हो गया। साथ में मैं कढ़ी बनाई हूँ जो कि बेसन से नहीं है, आटा डालकर है, यानी गेहूं का आटा। तो इस तरह से आप अपने घर पे अच्छे से बनाइए और पूरे परिवार के साथ खाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।